दोस्तों आज हम गैस गीजर के एक ऐसे कॉमन फॉल्ट की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे जो अक्सर हमेशा जब गर्मियों के बाद हम सर्दियों में गैस गीजर को शुरू करते हैं उस दौरान लगभग हर गीजर में एक बार अवश्य आता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो पानी को कंट्रोल करने वाली नोब है उसका जो ऊपर वाला सिरा है वो टूट चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम गर्मियों के बाद सर्दियों में गीजर को शुरू करने जा रहे तो इसकी ये नोब जाम हो चुकी थी, क्योंकि गर्मियों में ये ऐसे ही यथास्थिति पड़ा रहा। इस वजह से पानी की जो अशुद्धियां हैं वो इस नोब के अंदरूनी सिरों को पूरी तरह से जाम कर देती है और हम पूरी कोशिश करने के बाद भी नोब को नहीं घुमा पाते। तो अब हम उसको प्लायर की मदद से घुमाने की कोशिश करते हैं और उस दौरान ये ब्रास की बनी होने के कारण टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और पीतल की बनी होने की वजह से इसकी जो ऊपरला जो नोब हमारी होती है वो टूटकर अलग हो जाती है। अब हमारी जो चुनौती है वो है इसे बाहर निकालने की। सबसे पहले चुनौती आपको फेस करनी होगी इसके ऊपर जो प्लेट लगी है उसके स्क्रू को खोलने की। कई बार ये भी पानी की वजह से जाम हो जाते हैं, इसलिए आपको इसे आसानी से खोलने के लिए इसे थोड़ा सा हल्के किसी स्क्रू ड्राइवर से या फिर किसी छेनी से चोट मारकर इसे आपको खोल लेना है। अब हमें इसे बाहर निकालना है, लेकिन मुद्दा यह है कि अब हम इसे बाहर निकालें कैसे, क्योंकि जब तक हम इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम दूसरा जो हमारा पानी कंट्रोल करने वाला नोब है यानी स्पेंडल है उसे नहीं लगा पाएंगे। अभी मैं आपको एक स्पेंडल दिखा रहा हूं और आपको कोशिश करता हूं कि यह दिखाने की ये कितनी बुरी तरह से जाम हो जाता है। इसको भी मैंने प्लायर से हल्का हल्का घुमाया, कई बार अगर हल्का हल्का घुमाने से खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना। अब आप देख पाएंगे कि इस पर काफ़ी डस्ट जमी हुई है जो पानी न मिलने की वजह से काफ़ी सूख जाती है और एक फैवी बोंड का काम करना शुरू कर देती है। आप इसके अंदरूनी सतह पर भी देखिए, आपको काफ़ी अशुद्धियाँ सफ़ेद सी नज़र आएंगी, यानी कि एक सीमेंट के घोल जैसा हो जाता है और जब हम सर्दियों में शुरू करते हैं तो ये पूरी तरह से जाम हो जाता है। उसकी वजह होती है कि सर्दियाँ जब शुरू होती है तो हमें पानी का तापमान कम रखना पड़ता है, इस वजह से हम इसके पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये जाम होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते। अब हम इसे बाहर निकालें कैसे, इसी बात को अब हमें ध्यान से कंप्लीट करना है बिना कुछ तोड़फोड़ किए हुए। अगर आप बिना तोड़फोड़ हुए करेंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे, अगर आप तोड़फोड़ करेंगे तो आपको ये असेंबली नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए हमने किसी लुब्रिकेंट की मदद ली। लुब्रिकेंट यानी कि आप किसी ऐसे पदार्थ की सहायता ले सकते हैं जो इसके जाम को खोलते। हमने एक स्प्रिट की सहायता से ऐसा करने की कोशिश की। आप मशीन का तेल ले सकते हैं या फिर कम एसिड का तेजाब ले सकते हैं। हमने इसके एक सिरे को भी ओपन कर लिया ताकि जो ये लिक्विड है ये अच्छी तरह से इसके अंदरूनी सिरों के पास पहुंच जाए, लेकिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि जो सबसे मेन जो मुद्दा है वो यह है कि हम इसे घुमा नहीं पा रहे, क्योंकि ऊपर वाला जो सिरा है वो पूरी तरह से प्लेन हो चुका है, किसी भी प्लायर से वो पकड़ में नहीं आ रहा। इस वजह से जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक ये फ्री नहीं होगा और हम इसे ऊपर की तरफ नहीं निकाल पाएंगे। इस कारण से हमें असेंबली को बदलना पड़ सकता है। फिर भी एक लास्ट कोशिश हमने दोबारा से की, हमने इसमें स्प्रिट को डाला ताकि ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए, लेकिन आखिरकार हमने इसे तोड़कर ही निकालना पड़ा। इसमें काफ़ी रिस्क होता है और अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अभी आप देखिए, ये उस अंदरूनी नोब का अंदरूनी हिस्सा है जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये छड़ अलग है और आगे वाला जो हिस्सा है वो ब्रास का है, वो हमने पूरी तरह से तोड़कर ही बाहर निकाला, जिसके लिए आपको काफ़ी पेशेंट्स और काफ़ी एक्सपर्ट का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप ये काम किसी अच्छे टेक्नीशियन से ही करवाएं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको नई असेंबली लगानी पड़ सकती है। अब हम ये नया स्पेंडल हमारे इस पुराने असेंबली में डालेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसे लुब्रिकेंट कर लेना है ताकि ये आसानी से घूम जाए पूरी तरह से। इसलिए हमने इसे लुब्रिकेट करने के लिए मोबिल का इस्तेमाल किया है और इस स्पेंडल पर पुआ डालने के बाद हमने उसे असेंबली में फिट कर दिया है और उसको हल्का हल्का चारों तरफ घुमाया है ताकि ये अंदरूनी हिस्से को भी पूरी तरह से लुब्रिकेट कर दे और जल्दी से ये दोबारा जाम ना हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे
तो ये दोबारा से फिर जाम हो जाएगा, क्योंकि आप इसे एक बार या दो बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप इसे छोड़ देते हैं कुछ महीनों के लिए। अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहते तो आप गर्मियों में भी इस नोब को बीच बीच में घुमाते रहें और सर्दियों में भी इसे बीच बीच में घुमाते रहें, ताकि इसमें मूवमेंट बनी रहे और अवांछनीय पदार्थ इसके चारों तरफ इकट्ठा ना हो। अब हमने इसे पूरी तरह से फिट कर दिया है, आपको इसे इतना अंदर धकेलना है जितना वो रबड़ की ओरिंग है वो इसके अंदर चली जाए, और आपका जो ऊपर वाला प्लेट है वो पूरी तरह आसानी से इसके ऊपर बैठ जाए, और फिर आप इसके स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद ही ये पूरी तरह से फिट होगा। उसके बाद हमें पानी की लीकेज को चेक करना है, उसके लिए आपको इसे दीवार पर लगाना होगा और सभी कनेक्शन करने होंगे, लेकिन उससे पहले आप टैंक के कनेक्शन जोड़ दीजिए और इसके सभी स्क्रू को टाइट कर दीजिए। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप हमेशा नोब को घुमाते रहें बीच बीच में। अब देखिए हमारा कार्य कंप्लीट हो चुका है, हमने आसानी से इस स्पैंडल को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन दोस्तों गर्मी हो या सर्दी हो, आप इस स्पैंडल को बीच बीच में घुमाते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।